A very good morning to my dear students. Welcome to art class. Take out your art book. Open the page number 8. So, today we will do flower with watercolors. So, we need watercolor and a brush. So, first we have to draw flower. So, let's start. अब यहां से हमने इसके बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट फ्लावर स्टार्ट करेंगे बनाना. तो ये हमारा फ्लावर है जो ड्रो हो चुका है. तो ऐसे ही आपने आराम से ये फ्लावर ड्रॉ करना है. बाद में हम इसमें कलर करेंगे. मल्टीपल शेड पेंटिंग क्या होती है, एक कलर में हम वाइट कलर को डाल के अलग अलग शेड्स बन जाती है. इन्होंने रेड कलर लिया है, इसके बीच में थोड़ा सा हल्का सा वाइट डाला है तो पिंक बन जाएगा. पिंक बन गया, इसके बीच में हम थोड़ा सा और वाइट डालेंगे तो ये हल्का सा लाइट पिंक, और बाद में इसको इसके साथ मिक्स किया तो वाइट शेड बन गई. ठीक है, हल्की सी वाइट हो गई. तो ऐसे इसको बोलते हैं मल्टीपल शेड पेंटिंग. तो हमने ऐसे ही वाइट कलर को रेड के साथ ऐसे कलर करना है. और यहाँ पे डार्क ग्रीन लिया, वाइट कलर मिक्स किया, हल्का सा लाइट ग्रीन उसके बीच में किया और थोड़ा लाइट ग्रीन कलर बन गया. और यहाँ पे सबसे लाइट ग्रीन कलर वाइट कलर को हमने मिक्स करना है. तो चलो अब हम कलर करते हैं, इसको ड्रॉ कर ले. लाइट लाइट पेंसिल चलानी है आपने. ठीक है, तो रेड कलर करते हैं. कलर के साथ आपने थोड़ा थोड़ा सा वाटर भी यूज करना है.
थिक कलर नहीं लगाना, ऐसे कलर लगाया है इसको वाटर के साथ, ऐसे स्प्रेड करना है। अब इसी ब्रश के ऊपर हमने व्हाइट कलर लगाना है। तो देखो ये कलर चेंज हुआ है हल्का सा। अब इसको ब्रश को आपने वॉश करना है। व्हाइट कलर लगाना है इसके ऊपर ही, आपने जो लाइट पिंक बना था इसके ऊपर ही आपने ऐसे कलर करना है। अलग सी शेड बन गई है। अब लास्ट में व्हाइट का टच देना है। लाइक दिस स्टूडेंट्स, ऐसे हमने जो फ्लावर है वो कंप्लीट करना है। अब हम फिर से रेड कलर लगाएंगे। वाटर साथ में जरूर आपने यूज करना है स्टूडेंट्स, कलर थिक नहीं होना चाहिए। अब हम व्हाइट कलर लगाएंगे इसके साथ ही इसके ऊपर। शेड चेंज हो रही है, देखो व्हाइट कलर लगाएंगे अब। ऐसे मिक्स कर देना है इसको लास्ट में। क्लियर स्टूडेंट्स, आराम से काम करना है। अब मैंने रेड कलर किया है ना, अब व्हाइट कलर लगा रही हूं मैं।
ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी हम कलर करेंगे। अब हल्का सा व्हाइट लगाएंगे। ऐसे हम व्हाइट भी छोड़ सकते हैं अगर नई कलर लगाना आपने, यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हो। अब हम ग्रीन कलर करेंगे। डार्क ग्रीन कलर लेना है। पहले ब्रश को अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। ऐसे एक ही स्ट्रोक में आपने कलर करना है। अब हल्का सा हमने व्हाइट कलर लगाना है। लाइट ग्रीन कलर भी ले सकते हो आप। व्हाइट लगाएंगे हल्का सा। कलर नहीं लगाना हो, इसको ऐसे स्प्रेड करना है कलर को पानी के साथ। तो ये हमारा फ्लावर है जो कंप्लीट हो चुका है। लेट इट ड्राई। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।